तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो है रियलमी एक्स सेवन प्रो का टेस्ट करने वाले हैं, फ्री फायर टेस्ट। तो यहाँ पर जो है बात करेंगे, देखेंगे आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है रियलमी एक्स सेवन प्रो में। साथ ही साथ इससे पहले भी मैंने एक टेस्ट किया था फ्री फायर का, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ उसको मेरे को 1 वीक हो चुके बनाए हुए, तो ये 1 वीक बाद मैं बना रहा हूँ, तो जिससे कि देख सकेंगे मीडियाटेक दमनसिटी 1000+ वाला जो चिपसेट है वो 1 वीक बाद कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और हालांकि यहाँ पे कोई भी अपडेट अभी रिसीव नहीं हुआ है मुझे, तो मैं देखूँगा कि फ्री फायर कैसा रन हो रहा है। साथ ही साथ ग्राफिक्स के भी बारे में बात करेंगे, आपको कितना क्या ग्राफिक्स देखने को मिलता है इस फ़ोन में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर जो है फ्री फायर गेम है, और सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर नेट को मैं ऑन कर लेता हूँ और देखेंगे कितना हमें टाइम लगता है फ्री फायर को ऑन होने में, रियलमी एक्स सेवन प्रो को। फटाफट ऑन करते हैं गेम को, तो शायद क्लिक नहीं हुआ, दोबारा करते हैं, अब हो गया। साथ के साथ ऐप ओपन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमें ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलता है। तो फ़ोन देखते हैं कितने जल्दी ओपन होता है रियलमी एक्स सेवन प्रो में फ्री फायर। देखा आपने कितने जल्दी गेम ओपन हो चुका है, और टैप टू बिगिन का ऑप्शन आ रहा है, करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ग्राफिक्स चेक करवा दूंगा। गेम आपने देखा कितने फास्ट रन हुआ इस पर, और ये नेट पे भी डिपेंड करता है लेकिन फ़ोन पे भी डिपेंड करता है। तो फ़ोन का जितना अच्छा नेट होगा और फ़ोन जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो चीज़ डिपेंड करती है। तो एक बार मैं आपको ग्राफिक्स चेक करवा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्लासिक पे रखा है फ़िल्टर को। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्राफिक्स जो है वो है अल्ट्रा पे, और हाई रेजोल्यूशन को हम नॉर्मल पे है, मैं हाई पे कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे था। शेडो को ऑन कर देते हैं, फ़ोन कितने जल्दी हीट होता है और वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल पे है FPS, हम इसको हाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि आफ्टर टर्निंग ऑन हाई परफॉर्मेंस द गेम वुड रन स्मूदर, बैटरी यूसेज वुड इंक्रीज़, तो हम इसको भी ओके कर देते हैं। तो सब चीज़ें हमने अल्ट्रा पे चेक कर दी हैं, तो हम हैवी यूसेज कर रहे हैं तो वही चीज़ हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे क्लासिक, ब्राइट, विविड का ऑप्शन है, मैं इसको विविड पे कर देते हैं और बैक करते हैं। अब जो है मैं एक बार आपको CPU Z ओपन करके दिखा देता हूँ। CPU Z हमने ओपन कर लिया, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि डिवाइस कितना हीट है और बैटरी परसेंटेज क्या है। 69% जो है बैटरी परसेंटेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 30.7 डिग्री सेल्सियस जो है बैटरी टेम्परेचर है, अब 30.8 हो गया, तो 30 के आसपास जो है बैटरी टेम्परेचर है, और 30.9 तो बैटरी टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हमने गेम ऑन कर रखा है। साथ ही साथ 69% जो है बैटरी है, अभी फ़ोन कितना कितनी मतलब थोड़ा सा भी हीटअप नहीं हुआ है, और यहाँ से थोड़ा सा भी हीटअप नहीं है फ़ोन में, तो 31% हो चुका है बैटरी लाइफ, बैटरी परसेंट जो है टेम्परेचर, तो परसेंट जो है 69% है लेवल, और 31 डिग्री जो है बैटरी टेम्परेचर है। गेम को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं गेम फटाफट, देखते हैं कितने जल्दी हमें गेम मिलता है। मिल चुका है गेम हमें, और थोड़ा बहुत मैं बैट और वॉल्यूम रख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को आवाज़ भी आएगी गेम की। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो गेम है ना, मैंने हैवी पे कर रखा है, मतलब हाई रेजोल्यूशन सब चीज़, FPS भी हाई है, सब कुछ हाई है, और अभी तक तो स्मूथ लग रहा है गेम। फटाफट देखते हैं गेम में जाके कैसा हमें एक्सपीरियंस होता है गेम के अंदर। तो रियलमी एक्स सेवन प्रो से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगी ना, तो आप चैनल पर ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो प्लेन हमारा आ चुका है, हम जो है अभी जंप करेंगे और नीचे जाके देखेंगे, जंप का ऑप्शन आ गया है। तो क्या आप फ्री फायर खेलते हैं कि पबजी खेलते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी के लिए मेरे को जितना लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर ही दिख रही होगी वीडियो, और यहाँ पर जो वीडियोस है तो वो कैसा लग रहा है आपको क्वालिटी, वो आप ज़रूर से कमेंट में बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो चाहिए, कि कौन सी वीडियो चाहिए, ज़रूर से कमेंट कीजिए जिससे कि मेरे को भी हेल्प मिलेगी आप लोगों के इससे रिलेटेड वीडियोज़ लाने में।
थोड़ा वॉल्यूम मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है इसमें डुअल स्पीकर्स का ऑप्शन है, तो आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप ईयरफोन भी नहीं लगाते तो भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे भी स्पीकर है और नीचे भी, तो दो स्पीकर्स हैं इसमें। थोड़ा वॉल्यूम लो कर देते हैं। मेडकिट मिल गई हमें। कोई तो है आसपास हमारे। कोई तो है यहाँ पे। एक को मार दिया मैंने। तो गाइस ये गेम जो है ना, मेरे को इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा उस हिसाब से गेम को मत देखिएगा कि मैं फ्री फायर में प्रो प्लेयर हूँ। जैसे पबजी आएगी ना, पबजी का टेस्ट ज़रूर करेंगे हम। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कोरियन वर्ज़न का टेस्ट कर सकता हूँ, तो एक बार कोरियन वर्ज़न का टेस्ट ज़रूर से मैं ला सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो हमको जोन की तरफ भागना है फटाफट। इसमें गाड़ियां नहीं मिलती क्या? ठीक है, मुझे इसीलिए समझ में नहीं आती इतनी ज़्यादा। बाकी फ्री फायर और पबजी में आपको कौन सा अच्छा लगता है आप ज़रूर बताना। कम्युनिटी टैब में मैं एक पोल भी रखूँगा, तो आप लोग ज़रूर उस पर कमेंट कीजिएगा। एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पे। वो भी गाड़ी है ना वो, हाँ वहाँ चलते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं। तो लगभग हमने 4 मिनट्स का गेम प्ले कर लिया है अभी तक। 5:35 पे स्टार्ट किया था हमने गेम प्ले, और यहाँ पे 4 मिनट्स की गेमिंग हो चुकी है स्टार्ट। हॉर्न भी बजता है इसमें। होप सो आप लोगों को ऑडियो भी आ रही होगी गेम की, क्योंकि मैंने जो स्पीकर पे कर रखा है फ़ोन, ये भाग रहा है, कोई बॉट है उड़ा दिया एक जने को। अरे भाई चल, कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना आप लोग पबजी के फ़ैन हैं कि इसके। मैं जो हूँ वो पबजी का फ़ैन हूँ, फ्री फायर इतना ज़्यादा मैं नहीं खेलता। सामने ये शायद वो मिल्टा टावर वाला वो है ना, जो आपको पबजी में देखने को मिलता है। कमेंट पर गालियाँ मत देना, ये कमेंट बोलेंगे कि फ्री फायर नहीं पता तुम्हें। एक मैच तो हम कंप्लीट करके ही रहेंगे पूरा, क्या होता है वो तो देख लेंगे आगे। जोन में तो पहुंच चुके हैं हम शायद। जी हाँ, फोन जोन में आ चुके हैं।
मुझे ये तक नहीं पता कि फ्री फायर में बंदे ज़्यादा उतरते कहाँ पे, जैसे पबजी में ज़्यादा स्कूल में या जॉर्ज पूल में या फिर पोचिंग के में बंदे उतरते हैं, तो इसमें मुझे पता भी नहीं है कि लोग उतरते ज़्यादा कहाँ पे है। तो उस हिसाब से गेम प्ले थोड़ा बहुत आपको लो लग सकता है, लेकिन जो ग्राफिक क्वालिटी है ना गेम की वो काफ़ी डिसेंट है। बाकी फ्री फायर में थोड़ा बहुत खेल के देख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ कैसा एक्सपीरियंस है इसका, और डेली लाइफ में मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो जाए और थोड़ा बहुत आ जाए गेम, जिससे कि मैं जब टेस्ट करूँ गेम को तो जब तक पबजी बैन है तब तक तो फ्री फायर टेस्ट ही आप लोग ज़्यादा पूछते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो वही हम करेंगे। शायद मैं जोन के बाहर आ गया, अब जोन के अंदर चलना है, जोन के अंदर जाना है हमें। कोई लोग ही नहीं मिल रहे मुझे, 24 अलाइव है, 2 किल करे हैं मैंने। फिर ऑन बजने लगा, ये अलार्म बीच बीच में क्यों बजने लगता है? क्या मैं मल्टीप्लेयर खेल रहा हूँ कि सिंगल प्लेयर, वो भी नहीं पता मुझे। ये वाला गेम जीत के रहेंगे, तो अभी के लिए फ़ोन थोड़ा बहुत हीटअप तो हो रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है हाथों में, और रियर साइड से फ़ोन हीटअप हो रहा है, डिस्प्ले साइड से भी हो रहा है क्योंकि इसके जो डिस्प्ले है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा थिन है जैसे कि आपको पता होगा, और सुपर अमोलेड डिस्प्ले होने के कारण डिस्प्ले इसमें थिन है, और हीटअप हो रहा है फ़ोन फ्रंट साइड से भी और रियर साइड से भी। तो जी हाँ, थोड़ा बहुत हीटअप आपको देखने को मिलेगा। कोई तो है यहाँ पे, गोलियां चल रही है उधर, देखते हैं कौन है। कहाँ पे है बंदा, किधर चल रही है गोली? लग से, हाँ लग गया, एक और है यहाँ पे। लगी 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 उसे लगी, ओ चला गया बंदा, कहाँ गया, छुप गया वो, उसको पड़ी तो थी काफ़ी ज़्यादा। फ़ोन हीटअप हो रहा है गाइस, यहाँ से फ़ोन हीटअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, और लिक्विड कूलिंग होने के बावजूद भी ये फ़ोन काफ़ी जल्दी हीट हो गया है मैंने देखा, क्योंकि ये एक हैवी यूसेज मैं पैटर्न में मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो FPS है और जो रेजोल्यूशन है गेम का, ग्राफिक्स सेटिंग्स है, वो मैंने टोटली हाई पे किया हुआ है, तो हैवी यूसेज हम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत फ़ोन हीटअप होता है वो ज़्यादा दिखेगा। अरे
अरे लेट क्यों गया मैं? एक बंदा बोल रहा, एक और बंदा बचा है लास्ट, शायद नहीं, 7 अलाइव है अभी। जोन की तरफ जाना है हमें, जोन की तरफ चलते हैं फटाफट। ये रहा एक बंदा, हेड दिया इसको मैंने पूरा शायद। लोट लोट लोट, एक और भी कोई है यहाँ पे, कौन है? राइट में फाइट चल रही है शायद कहीं पे। वो रहा वो रहा वो रहा बंदा, कहाँ गया? बुरा बुरा, जीत गए। तो फर्स्ट मैच ही मैं जीत गया इस गेम का। तो एक ही गेम प्ले हम करना था, और अब जो है हम फोन देखते हैं कितना ज़्यादा हीटअप हुआ है। तो विक्ट्री हमें मिल चुकी है इसमें, और नंबर वन हम आ चुके हैं। तो एक ही गेम में हमने नंबर वन रैंक हासिल कर ली। लगभग हमने 10 मिनट की गेमिंग की इसमें। 5:35 पे हमने स्टार्टिंग की थी और 5:48 अराउंड हो रहा है, तो अराउंड 10 मिनट्स हमने गेम करा। और यहाँ पर जो है मैं एक बार फ़ोन के CPU Z पे जाता हूँ और आपको बंद करके दोबारा से CPU Z ओपन करके दिखाते हैं। बैटरी में आप देख सकते हो यहाँ पे 65% बैटरी जो है अभी रिमेनिंग है, और जो 38% जो है आपको 38.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो हीटअप हुआ है फ़ोन, और मैक्स FPS पे हमने रखा था और मैक्स ग्राफिक सेटिंग्स पे भी। ये फ़ोन कैपेबल है हाइयर ग्राफिक्स पे चलाने के, लेकिन डिमेंसिटी MediaTek का चिपसेट है, और MediaTek के चिपसेट ऐसे थोड़े बहुत हीटअप होते हैं, और लिक्विड कूलिंग होने से टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन ये टेम्परेचर 40 के अबव जा सकता था। तो अभी के लिए यही टेम्परेचर है, और फ़ोन का जो है बैटरी इतना ज़्यादा कोई नहीं डाउन गया 10 मिनट की गेमिंग में। बाकी मेरे को काफ़ी मज़ा आया, और जो है हाई FPS पे आना गेम में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और हम जो है विक्ट्री भी ले चुके हैं फ्री फायर में। तो कैसा लगा आपको आपको ये वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। Realme X7 Pro से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए आपको चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं बता सकते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।